तो गाइस कुछ दिनों में आ जाने वाला है दीपावली और आप लोगों के चाहिए दीपावली स्पेशल फोटो एडिटिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दीपावली स्पेशल फोटो एडिटिंग जो कि पिक्सार से होगा। आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, बट उससे पहले सबसे पहले आप लोग अपने फोन को रोटेट कर लो क्योंकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पिक्सार को ओपन कर लेंगे, देन यहाँ प्लस पे क्लिक करके एडिट फोटो पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे चलेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे जाने के बाद जो ब्लैक बैकग्राउंड उसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी साइज सही करनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ टूल्स पे क्लिक करेंगे, देन क्रॉप पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ये जो ये वाला साइज दिख रहा है ना पोर्ट्रेट, इसको सिलेक्ट करके राइट पे क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। ओके, अब हमको क्या करना है, चलना ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद ये वाला बैकग्राउंड मैं दूंगा, बैकग्राउंड क्या, हाँ फोटो मान सकते हो बैकग्राउंड ही, इसको ऐसे बड़ा साइज कर लेंगे एंड ऊपर इरेजर पे क्लिक करके, ये जो इरेजर है ना इस पर क्लिक करके साइज बढ़ा के हार्डनेस कम एंड ये लाइन लाइन आ रहा है देखना ना, इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देना तो ये लाइन गायब हो जाएगा और ये बैकग्राउंड से अच्छी तरीके से मर्ज हो जाएगा। तो ये तरीका काफ़ी सही है, आप लोग देख लेना एंड उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, राइट पे क्लिक करके इसको यहाँ से हम लोग कर लेते हैं डन। ठीक है, अब हमको चलना है फिर से ऐड अ फोटो पे और जिस भी फोटो को आपको एडिट करना है उस फोटो को ले लेना। तो मान लो मैं ये वाला ले ले रहा हूँ एंड ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, चलो थोड़ा थोड़ा छोटा कर देता हूँ एंड इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, यहाँ पे कटआउट का दिख रहा है आपको नीचे, इस कटआउट पे आपको क्लिक करना है एंड फर्स्ट में मिल जाएगा पर्सन, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना, ये देखो पूरी बॉडी सिलेक्ट हो गई और जहाँ नहीं हुआ है ना ब्रश है ना, ब्रश पे क्लिक करो एंड उसको अपने से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद डन कर देना ऊपर से, ये देखो पूरा बैकग्राउंड रिमूव। भाई कितना ईजी हो गया यार एडिटिंग आज का। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लो ये प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है आपको एंड उसके बाद ऐड फोटो जो दिख रहा है ना उस पर क्लिक करेंगे एंड ये रही पीएनजी, इसको हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे और इसको यहाँ पे ये ऐसे लगाएंगे, लगाने के बाद डन कर देंगे। ये देखो पूरी बैकग्राउंड और ये फोटो मर्ज हो चुकी है। चलो जो भी यूज़ कर रहा हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। फिर से आपको ऐड फोटो में जाके ये लाइट पीएनजी लेनी है। अब इसका जो है ना ब्लैक एरिया गायब करने के लिए क्या करना होगा, ब्लेंड एंड स्क्रीन। वाओ कितना कमाल का, लेकिन इसको नीचे करना होगा, ऊपर देखो आपको लेयर का आइकन मिलेगा एक यहाँ पे, तो आपको उस पर क्लिक करना है और हमको ये रहा हमारा तीसरे नंबर पे मॉडल, इसके नीचे लाना है। ठीक है, तो हम उस पर क्लिक करके मूव डाउन करेंगे, एक बार फिर से करेंगे, देखो एकदम नीचे आ गया आराम से एंड इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद को फिर से जाना है ऐड फोटो पर और ये दीपावली की पीएनजी जो है ना इसको थोड़ा सा बड़ा साइज़ करेंगे और दिए जो है उसको नीचे कर देना है, मतलब उसका कोई काम नहीं है वैसे इसमें। और ये रही पीएनजी, इसको भी यहाँ पे ऐसे बड़ा कर देंगे और ये मेन चीज़ है ना, देखो इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले गाइज हम लोग ब्लाइंडिंग पे जाएंगे, कहाँ गया, ये रहा ब्लाइंड। ओके, एंड यहाँ पे कर देंगे स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद ना अब देखो ध्यान से, ये मेन चीज़ है, एकदम ध्यान से देखो एडजस्ट कहाँ गया, ये रहा एडजस्ट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे एडजस्ट पे एंड सबसे पहले ब्राइटनेस को हम लोग बढ़ा देंगे, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देंगे। इन दोनों को बढ़ाने के बाद ना देखो फोटो मतलब एकदम अलग ही इफेक्ट आया, एकदम कमाल का लग रहा है। इसको अपने हिसाब से आप लोग सेट कर देना और देखो इसमें थोड़ी बहुत कलर एडिटिंग तो करनी चाहिए थी, बट मैं करूँगा नहीं क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है उतना कुछ खास। और मैं ऐड फोटो पे जाके ना इसको भी ऐड कर देता हूँ, कहाँ गया ब्लाइंडिंग, स्क्रीन कर देंगे। ये कुछ सही नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से सेट कर लेते हैं गाइस, ये सही नहीं लग रहा है, रुको। हाँ ये ठीक है, ऊपर इरेजर पर क्लिक करेंगे, ये जो कटा हुआ है उसको हटा देंगे। ओके, तो गाइस पूरी फोटो एडिट हो चुकी है। अगर आपको अच्छा थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके सेव करें।